हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी लेकर आई हूँ, जो कि इस टाइम हो सकता है आपको शोल्डर में पेन हो रहा हो, बहुत हैवीनेस फील हो रही हो पूरी बॉडी में, और आपके हैंड में जैसे कोई हैवीनेस, मतलब कि शोल्डर तो पेन हो रहा है लेकिन हैवीनेस अलग से फील हो रही हो, हेडक हो सकता है लेकिन लाइट में, और आपको नींद बहुत आ रही हो, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर सन के ऊपर वर्कआउट चल रहा है जिसकी वजह से आपको ये सब एनर्जी उनकी फील हो रही है। तो आपके पर्सन अभी हो सकता है कोई सिचुएशन में फंसे हों, वो नहीं समझ पा रहे हों या कोई हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हों, या फैमिली वाले या घर वाले उनको कोई भी बाहर का फ्रेंड सर्कल या कोई भी हो सकता है इनको इस टाइम ट्रिगर दे रहे हों, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया जा रहा है, या घर वाले फोर्सेबल उनके साथ कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करवा रहे हों जो वो नहीं करना चाहते हैं लेकिन उनके साथ वो सब किया जा रहा है, जो वो हो सकता है दबाव में आके उनको करना पड़े, आपके अगेंस्ट जाकर भी उन्हें करना पड़े क्योंकि फैमिली वाले उनसे करवा रहे हैं। तो ये एक स्ट्रेस उन्होंने ले लिया है उनके माइंड में, जो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, उनका रो रो के भी बुरा हाल है, वो नहीं चाहते हैं अदर किसी के साथ मैरिज करना या ऐसा करना, लेकिन उनके हाथ में सिचुएशन ही नहीं है। हो सकता है वो अभी क्रिटिकल सिचुएशन भी बन सकती है, कुछ पर्सन हो सकता है कि परेशान हो के कुछ नेगेटिव रास्ता भी पकड़ लें, मतलब कि सुसाइड भी करने का सोचें, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल आपकी एनर्जी पिक हुई है मुझे डीएम की, जो कि मैं बताने में भी फील कर रही हूँ, पहली बात तो फील कर रही हूँ आप लोगों की जो कलेक्टिव में एनर्जी है इतनी स्ट्रेसफुल, इतने शोल्डर इतने ज़्यादा हैवीनेस है, आपका थ्रॉट में बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो रखा हो सकता है वो आपको बताना चाह रहे हो नहीं बता पा रहे, क्योंकि अपने लगता है कि कोई रास्ता ही नहीं बचा है, अगर मैं किस मुँह से अपने डीएफ को बोलूँ, क्योंकि मेरा डिसीजन माँ बाप के कहने पर ले लिया और उनको मैं बोल भी क्या सकता हूँ, इस वजह से आपको कुछ नहीं बता पा रहे, तो आपका थॉट में बहुत पेन हो सकता है। तो अभी हो सकता है आपको ये सब फील हो रहा हो और जाने अनजाने उनसे जो भी हुआ वो आपसे शायद हार्डली आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, आपसे रिग्रेट फील कर रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि मैं भी मजबूर हो चुका हूँ कि मैं भी अपने फैमिली कंडीशन में फंस गया, आपको नहीं बोल पाया या आपका सपोर्ट नहीं कर पाया, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा गिल्ट में ट्रिगर होते हुए क्राइंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनको हो रही है, वो नहीं कह पा रहे हैं। अब ये 3 से 4 दिन एनर्जी ऐसी ही रहेगी, तो थोड़ा सा अपने आप में भी कंट्रोल करना, क्योंकि आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा एनर्जी का, तो अभी बैलेंस करने की कोशिश करें ताकि उनको भी रिलीफ मिले, क्योंकि बहुत पेनफुल सिचुएशन है, क्योंकि बॉडी सरफेस पे हो रहा है, तो इस करके आप लोगों को ये सब फील हो सकता है। अभी तक यही अपडेट, जैसी कोई न्यू अपडेट मिलेगी मैं फिर से आपके सामने हाजिर होंगी। थैंक यू So much.